दिन के इस शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच फौजी अनुराग जी भी उपस्थित हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब फौजी देश की रक्षा करने के लिए तैनात होते हैं तब वो किसी भी जाति किसी भी धर्म को नहीं मानते, सबसे आगे उनके सामने होता है अपना देश। तो सही मैसेज आज उन्होंने दिया है कि आज इस अवसर पे अगर आज आप यहाँ भी देख रहे हैं कि सभी जाति सभी धर्म के लोग इकट्ठे होके अपने देश के प्रति अपनी जो कर्तव्य है उसका पालन कर रहे हैं। जैसे कि आज गवर्नमेंट का नारा है घर घर तिरंगा, तो आज आप देख रहे हैं कि हर जगह तिरंगा देखते हुए आज हमें अपने देश के प्रति जो अभिमान लगता है, इसलिए ये बहुत खुशी होती है। और एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं। जी सर, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, आप शिक्षा के महर्ष ऋषि बोले जाते हैं, अगर आपको कोई लगता है कि इस देश में कोई एक बदलाव होना चाहिए, एक कोई आपको लगे तो जरूर आप शेयर करें। देखिए, हमारा देश बहुत ही प्रगतिशील देश है और एक महान देश है। सिर्फ एक ही संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि एकता शांति और प्रेम के साथ रहें, तब हमारा भारत एक विकसित और एक महान देश कहलाएगा।